रतिया के गांव लाली बस स्टैंड पर शराब का ठेका होने से गांव वासियों और स्कूल कॉलेज आने जाने वाली छात्राओं को परेशानी हो रही है, जिसकी वजह से गांव वासियों में काफी रोष देखा जा रहा है। नियम के अनुसार जहां धार्मिक मंदिर, गुरुद्वारा या अन्य धार्मिक कोई भी संस्थान हो, उसके कुछ दायरे में शराब का ठेका नहीं खोला जा सकता। नजदीकी ठेले के स्कूल, गुरुद्वारा, मंदिर और अन्य धार्मिक संस्थान हैं। गांव वासियों ने कहा कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। समस्या को लेकर गांव वासियों में काफी रोष और आला अधिकारियों को लगा चुके हैं गुहार। समाधान नहीं हुआ, मामला ज्यों का त्यों बना हुआ है। ठेके में शराब पी शराबी छात्राओं व महिलाओं को आते जाते परेशान करते हैं। छात्राएं डर के मारे कई बार तो स्कूल भी नहीं जाती। सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के, फिर प्रशासन इस ओर आखिर ध्यान क्यों नहीं दे रहा। गांववासियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो गांववासी, पंचायत व कमेटी के लोग शराब ठेके बाहर धरना लगाएंगे। रतिया से रवि गोयल की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी की फतेह। मैं एक बेनती करता हाँ कि मैं भी 2005 सरपंच रहा उदो हदायत यह सी कि बस स्टैंड तो और पिंड तो बैंक तो ठेका 300 गज दूर होना चाहिए। ये बिल्कुल नज़दीक है, लाली ठेका बाहर कढ़िया जाए। वो बेटी जो भी उसको मंदिर के बड़ा परेशान होता है और मैं भी देखे इस चीज़ में बड़ा गलत काम है। इसको जल्दी से जल्दी सही किया जाए, ठेका बाहर कढ़ा जाए, नहीं तो धरना भी लगाए जाएंगे। असं चिमो तो भी आ गए, आस पास के पिंड भी जाकर धरने लगावे। ये संविधान ना किया था, असं संविधान करवा के हटाएंगे। लेकिन कितने भी ठेका कितने भी होर नज़दीक बैंक के नज़दीक जैसे गुरुद्वारे नज़दीक है ठेका या किसी मंदिर नज़दीक है ठेका, कहीं भी है उसको दूर किया जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। मामला ग्राम पंचायत लाली, थोड़े दिन पहले हमारा जो मंदिर है दादी गोरी का, इसकी मान्यता पूरे भारतवर्ष में है। ये 34वां हमारा मेला था। कमेटी द्वारा, पंचायत द्वारा जब ठेका जो मैनेजर था उससे मिला गया तो उनको क्या रिक्वेस्ट की गई भी 3 दिन के लिए इस ठेके को बंद कर दिया जाए। तो मंदिर कमेटी को और गाँव वालों को उस आदमी ने कहा आप DTC को मिलो या बड़े अफसर को मिलो, जाके मैं ठेका बंद नहीं करूंगा। तो ग्रामीणों में पहले भी ये ठेका था, लेकिन समस्या तो ये बनी हुई थी। लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि गांव की जो बहन बेटी है उनको बड़ी दिक्कत आ रही है। मैं दूसरी तरफ आपका ध्यान लगाना चाहूँगा मीडिया का। थोड़े दिन पहले जब सत्ता में हमारे शोगी दल शोगी क्या पार्टी के कहूँगा दुष्यंत चौटाला जी की माता जी सुंदरी चौपाल के तहत लोगों के बीच में गई तो उन्होंने एक वादा किया था कि जो ठेके हैं गांव के वो दूर दराज खोले जाएंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया कि दुष्यंत चौटाला BJP की गोदी में जाके बैठ गया और अब इनको गांव की जैसी मांग है वो अब इनको नज़र नहीं आ रही। तो मैं तो यही ध्यान दिलाना चाहूँगा आदरणीय मेरे दुष्यंत चौटाला जी कि आप गाँव लाली का हाल आकर देखो किस प्रकार से वहाँ बहन बेटी की इज्जत को तार तार किया जा रहा है। गुरुद्वारा साहब हमारे बिल्कुल नज़दीक है, गुरुद्वारा साहब की मर्यादा को किस प्रकार तहस नहस किया जा रहा है। अगर ये सरकार इस बात से नहीं मानी तो गांव लाली है पूरे रूप पर अपना अग्रिम रूप धारण करके हम चाहे धरना देना पड़ा, चाहे अफसरों के सामने कोई भी फरियाद लेकर CM तक भी जाना पड़ा तो सारा गाँव लाली जाने के लिए तैयार है। गांव लाली के बस स्टैंड के ऊपर ठेका खोल रखा है जहाँ 24 घंटे शराबियों का हुड़दम मचा रहता है, जहाँ पर लड़कियों का, आम जनता का आना जाना दूभर हो रहा है। सामने ही पानी की टंकी है जहाँ पर लेडीज पानी भी नहीं भर सकती है। सारा दिन लड़ाई गाड़ी गलोच रहता है। बताया जा रहा है कि स्कूल खोले जाने वाली छात्राओं को, महिलाओं को परेशान किया जा रहा है। वहाँ पे ठेके के पास है तो वहाँ पे फालतू के लफंडे खड़े रहते हैं जिसके कारण वह लड़कियों के ऊपर ताने कसते हैं, छेड़खानियां करते हैं। बताया जाता है कि नजदीकी गुरुद्वारा धार्मिक संस्थान भी है क्या? बिल्कुल पास में रविदास मंदिर है, गुरुघर है, गवर्नमेंट हाई स्कूल है जहाँ 24 घंटे आना जाना लोगों से भी कर रहता है। तो आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग ये है ये ठेका यहाँ से उठा के गांव से बाहर कहीं भी शिफ्ट करवाया जाए। अच्छा, अगर इस समस्या का समाधान नहीं तो आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? यहाँ पर जो ये अधिकारी हमारी बात की सुनवाई नहीं करते हैं, कोई मसला हल नहीं करते हैं, तो हम ऊपर तक कार्रवाई करने के लिए तैयार हैं।
अगर समस्या का समाधान नहीं होता तो? अगर अधिकारी हमारी बात नहीं सुनते तो हम सब ग्राम पंचायत मंदिर प्रबंधक कमेटी सबको लेके हम ठेके का आगे धरना देंगे और ठेका अपने आप बंद करवा देंगे।